अरे छोड़ूंगा मां मैं ये, सफरी सुहाना। के मां मेरे सर के ऊपर मोर सजा है, मेरे हाथों में मेहंदी रची है, कंगना भी बंधा है, शादी करने के लिए जा रहा हूं, मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है। लेकिन एक तरफ मामी की बात सुनता हूं तो तेरा भाई जेल में अलाउद्दीन खिलजी ने कैद कर रखा है, ये दिन मेरे लिए दोबारा कभी नहीं आ सकता। और छोड़ूंगा मैं ये सफरी सुहाना रे, छोड़ूंगा मैं ये सफरी सुहाना, शादी नहीं करनी बनारस, शादी नहीं करनी दिल्ली को जाना, छोड़ूंगा मैं ये सफरी सुहाना, छोड़ूंगा मैं ये सफरी सुहाना। उस खिलजी की बदी फैली ने माँ, खिलजी की बदी फैली ने, मैं छुड़ा के रहूंगा, वीर है भतेरे उसने समर में कहूंगा, वीर है भतेरे सफरी सुहाना रे। ना जाने हिंदुओं को कहां कहां लड़ाया गया, कहां कहां मरवाया गया, लेकिन सजनों कभी भी एकता नहीं हुई। एक मेरे जैसा नौजवान लड़का पूछ लेता है कि हिंदुओं में आपसी फूट का कारण क्या है। कह रहे बेटा जिस रोज हिंदुओं में एकता हो गई ना, पूरे विश्व में हिंदुओं का सामना करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ना जाने कभी किसी को प्रॉपर्टी के चक्कर में लड़वा दिया गया, किसी को औरत के चक्कर में लड़वा दिया गया। यहां भी आज सजनों वही हवाला है। कह रहे मां जहां तुझे पाड़ा गया, पड़ोसा गया, साथी योग्य तुझे किया गया, आज उस तरी जन्म भूमि का, मातृभूमि का मेरे सर के ऊपर जो कर्जा रखा है ना, वो कर्जा मुझे अदा करना है। कैसे लिखना शुरू करें और क्या बताया वो तेरी जन्म भूमि ने माँ, तेरी जन्म भूमि ने माँ मुझे को पुकारा, हिंदू कुल की मर्यादा ने मुझे ललकारा, हिंदू कुल की मर्यादा ने मुझे ललकारा, और मुझे धिक्कारा तेरे, मुझे धिक्कारा तेरे, ओ चीर दे ताना, छोड़ूंगा मां मैं ये सफरी सुहाना, छोड़ूंगा सफरी सुहाना। ओ छोरे हिंदुओं की कैद में माँ, हिंदुओं की कैद में जो होता मामा मेरा,
शादी को जाता माता बांध के यो सेहरा, शादी को जाता रे माता बांध के ये सेहरा। इन सतियों का डेरा मुझे, सतियों का डेरा मुझे पड़ेगा रखाना, छोड़ो बाबा में ये सफर सुहाना, छोड़ो बाबा में ये सफर सुहाना। जो कि बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं, डागर टेलर्स बस स्टैंड के पास जिनकी बड़ी सुंदर सी दुकान है, उन्होंने सभी कलाकारों को यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद दिया है, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं एक से एक रुपए देकर के। भैया एक बार जोरदार ताली हो जाए डागर साहब के लिए, जोरदार तालियां। सजना चौथी बात के माध्यम से बादल ने अपनी माँ को समझाना शुरू करा, कह रहे माँ अगर यहाँ किसी का कुत्ता भी चोरी हो जाए ना, कुत्ता भी, तो भी लोग उल्हाने मार मार करके, ताने मार मार करके मरने के लिए मजबूर कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि इस देश का दुश्मन है, इस हिंदू कौम का दुश्मन है, उसने तेरे भाई को कैद कर लिया। अगर कल तेरी बावज का दौड़ा वो पठान लेकर के चले गए, तो तेरी यारी प्यारी जितनी भी तेरी सखी सहेलियां हैं, तुझे ताने मार मार करके मरने के लिए मजबूर कर देंगी। कैसे समझाना शुरू करे छोरे ने, और क्या लिखे और पीर सिंह उल्हाना देंगी, पीर सिंह उल्हाना देंगी तुझे या निशानी, भावज ने तेरी भावज ने पठान लेके बने छात्रानी, भावज ने पठान लेके जाना, छोड़ूंगा मैं ये सफर सुहाना।